नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज से जो है न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच में T20 सीरीज शुरू हो रही है। भारतीय समय अनुसार ये मैच जो है आज का पहला मुकाबला जो है 11:30 बजे से खेला जाएगा। वैसे में दोस्तों इस मैच का क्या हाल है, किस टीम ने टॉस जीता और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो में हम जान लेते हैं। भाइयों पहले बात करें हम टॉस की, तो टॉस यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने जीत लिया है। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि इस मैच में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से जहां पर केन विलियमसन, टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट बाहर रहने वाले हैं, वहीं दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान जो है नियमित कप्तान बाबर आजम भी इस मैच से बाहर हो गए हैं। इंजरी की वजह से वो T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर दोस्तों खेलते हुए नजर आएंगे पहले मार्टिन गप्टिल और टिम सेफर्ट, इसके बाद दोस्तों डेवन कॉनवे, इसके बाद ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेटनर कप्तान होंगे जो कि, इसके बाद दोस्तों जेम्स निशम, वहीं इसके बाद दोस्तों जैकॉब डफी और इसके बाद ब्लेयर टिकनर। इसके बाद दोस्तों वहीं बात करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो पाकिस्तान के लिए यहां पर खेलते हुए पहले नजर आने वाले हैं मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला सफीक, इसके बाद दोस्तों हैदर अली, मोहम्मद हफीज, शादाब खान कप्तान होंगे, इसके बाद खुशदिल शाह, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, वहाब रियाज, शाहीन अफरीदी और लास्ट में यहां पर हरीश रऊफ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो भाइयों ये थी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अब बात करें कि आखिरकार इस मैच को आप लाइव कहां पर देख सकते हैं, लाइव मैच कहां पर दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के सारे मैचेस जो है वो टीवी पर लाइव नहीं आने वाले हैं, फैन कोड एप्लीकेशन पर लाइव दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों टीवी पर लाइव नहीं आएगा मैच, फैन कोड एप्लीकेशन पर इस मैच को आप लाइव देख सकते हैं, वहां पर जाकर इस मैच का आप लाइव एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो भाइयों आप भी जाकर मैच को एंजॉय कीजिए।